तो दोस्तों राम राम, स्वागत है मेरे YouTube चैनल समर कटारिया फिटनेस एंड जय श्री राम। दोस्तों तो भाई अब बच गए हैं सिर्फ 2 दिन, कल वैसे तो वेट देने जाना है, बचा तो एक ही दिन है आज का। तो आज कार्डियो तो कर ही आया हूँ, पूरा 1 घंटा अपना कार्डियो ही करा है, एब्स नहीं करा, और अच्छे से बॉडी आज मतलब लग रही है, थोड़ी फुल है क्योंकि कल कार्ब्स लोड जो करे थे उस हिसाब से। तो आज का जो भी डाइट प्लान होगा वो मैं आपको बताऊँगा, और भाई बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए कि भाई वेट दे के फिर जो हमें लोडिंग होगी, जो एनर्जी लेवल बढ़ेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, किस हिसाब से हम स्टेज पे खड़े होते हैं, किस हिसाब से चलते हैं, और मैडम के साथ पूरी वीडियो क्लिप आया करेगी अपनी, ठीक है ना। हाँ परफेक्ट, अंदर से बिल्कुल नो। और भाई आज पूरे दिन में 3 लीटर ही पानी रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, और कल 1 लीटर हो जाएगा, थोड़ा वाटर डिप्लिक्शन में जाना पड़ता है, बॉडी बिल्डर्स को पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं आज के दिन की शुरुआत अच्छे से, ठीक है। तो चलो भाई अपनी फर्स्ट मील रेडी कर ली है। फर्स्ट मील में मेरे पास है 200 ग्राम चावल, आज का अपलोड डे रहेगा, और 200 ग्राम इसमें है स्वीट पोटैटो, 160 ग्राम चिकन एंड 50 ग्राम रहेगी इसमें बीन्स। तो ये रही मेरी फर्स्ट मील, तो फर्स्ट मील लेते हैं और भाई फिर आगे ही तैयारी करते हैं कि भाई आज का क्या करना है, कितने कब ट्रेनिंग करें, कब कैसे क्या करना है, ठीक है। तो लो जी भाई नहा धो के रेडी हो गए, और अब अपनी सेकंड मील का टाइम हो गया, 12 बज गए, क्योंकि पहली मील मैंने करेक्ट 10 बजे खाई थी, अब सेकंड मील देख लो, सेकंड मील अपनी, ठीक है। तो भाई देख लो ये रही हमने 200 ग्राम राइस एंड इसमें थोड़े से स्वीट पोटैटो एंड चिकन है 160 ग्राम एंड 50 ग्राम वेजीज कम रखना भाई इन दिनों, ठीक है ना, ब्लोटेड फील नहीं करना, पर हाँ वेजीज खाने भी है। इसमें नींबू भी डाल रखा है, आधा नींबू है, और सॉल्ट भी है, ठीक है ना, सॉल्ट बंद नहीं करना अभी भी, और पानी आज भी पीना है 3 लीटर, ओके। तो कल का डे देखते हैं क्या रहेगा। तो चलो दोस्तों आगे भाई अपने जिम पे, अब करेंगे अपने वर्कआउट स्टार्ट। अब धीरे धीरे बॉडी थोड़ी पंप होती जा रही है अपने आप ही, विदाउट एनी वर्कआउट के, ठीक है भाई। अब करेंगे अपना वर्कआउट स्टार्ट, जो कि जैसे कि अभी हमने मिक्स वर्कआउट आपको 2 दिन दिखाया अच्छे से, वैसे ही करेंगे। तो और ये देख लो क्रिसमस खाने लग रही थी, एनर्जी लेनी पड़ेगी। हाँ तो भाई मेरे एनर्जी के लिए अब बस मैंने घर पे देखा, मैं मुश्किल से 750 ml पानी बचा है अब रात तक के लिए, अब उसी में निपटारा करना है हमने। तो चलो जी अब इसके बाद भाई थोड़ा सा शक्करकंदी भी लेने जाना मैडम, और भाई एक दो चीज़ें और लेकर आनी है मैडम की, फल फ्रूट भी रह रहे हैं, और जो बॉडी शेव करूँगा वो तो मैं कल ही करूँगा, कल सुबह सुबह। तो चलो जी वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सो जिम में आ चुके हैं, आज मैं कॉफ़ी पी के कुछ भी पी के नहीं आई हूँ, क्योंकि आज मुझे नीड ही नहीं लगी, मुझे कॉफ़ी पीनी चाहिए। अच्छा। मैं पी के ही नहीं आई हूँ, कुछ खा के साथ में थोड़ी सी किशमिश लेके आई थी क्योंकि मैंने खा ली, अखरोट लाई थी वो भी मैंने खा ली है, एंड अब इनका कराते हैं वर्कआउट। इनका वर्कआउट ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका है, मैंने इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया कि हम लोग जिम में आ गए, मैंने व्लॉग ही स्टार्ट नहीं किया था। तो भाई ये इनका फर्स्ट वर्कआउट है, सेम वर्कआउट वही रहेगा जो कल भी था परसों भी था, मिक्स करना है हर एक सेक्शन का, ओनली 2 सेट्स और 15 से 20 रैप्स। तो भाई ये पहला वर्कआउट है, मैं इसी वर्कआउट में स्टार्ट कर लिया है, व्लॉग में क्या करूँ, मैं लेट हो गई आज, वेरी गुड। तो भाई जो जो इनके साथ चल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आई होप कि उन लोगों को पूरी हेल्प मिल रही हो हमारी वजह से, इनके वर्कआउट की वजह से, अदरवाइज ऐसा कोई बंदा नहीं है जो यूट्यूब पे हो, यूट्यूब पे होते हुए भी डेली की आपको हर एक मील की जानकारी, हर एक सप्लीमेंट की जानकारी सब बता दे। क्या मैं मेडिसिन लेता हूं? बहुत कम लोग हैं कि दिखाते कुछ हैं और खाते कुछ हैं, बट हम दिखाते वही हैं जो हम खाते हैं, बिकॉज थोड़ी सी तो चीज़ें हैं पूरे 24 घंटे में करने की, उसमें भी दिखाना अलग और खाना अलग, वो पॉसिबल नहीं है, जो खाओ वो सारा जो भी खर्चा है ना भाई, और कुछ किसी चीज़ का नहीं लगा, सिर्फ डाइट का खर्चा है, वो तो झेलना ही पड़ेगा भाई। अगर कमा रहे हो तो आप अच्छा खाओगे भी, अच्छा खाओगे तो अच्छा दिखोगे। तो भाई ये एप्स है ना ऐसे ना आते, ये एप्स तभी आएंगे जब आप अच्छे से खाओगे। बिल्कुल,
भाई जैसा खाते हैं वैसा दिखाते हैं और वैसा ही व्लॉग बनाते हैं। अब उस पर एंटरटेनमेंट लग रहा है नहीं लग रहा है वो तो आप ही जानो, बट जिस तरह से रिप्लाई आते हैं व्यूज़ आते हैं पता चलता है कि एंटरटेनमेंट लग रहा है। भाई इसी के साथ इनका दूसरा भी सेट स्टार्ट हो गया है, सेम सेट है, ओनली टू सेट हर वर्कआउट का, इसके बाद फ्री, फिर हम जाएंगे घर वापस। पर हाँ उससे पहले सब्जी लेने भी जाना है। वेरी गुड, तो भाई इसी के साथ सेकेंड वर्कआउट है, इसको कहते हैं बटरफ्लाई, एंड ये मैंने, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट थी, फेवरेट तो मेरी काफ़ी एक्सरसाइज है, लेकिन मैं अभी बहुत दिन से नहीं कर रही हूँ, उस वीयर में आपको नहीं दिखूँगी, बट हाँ इनका वर्कआउट मैं पूरा दिखा रही हूँ। वेरी गुड, फेस का फोर्स बताता है कि आपकी कितनी एनर्जी लग रही है वर्कआउट में। उससे सबको पता है जब मैं करती थी कहते थे ऐसा मुँह बनाती है ये, फेस का फोर्स ही बताता है। वेट मैं शायद इसके जितना मार रहा हूं आज। नहीं मेरा कहने का मतलब फेस का फोर्स ही बताता है कि आपकी एनर्जी कितनी लग रही है। फेस जितना गंदा बन रहा है उतनी एनर्जी लग रही है, आपका फेस नहीं बन रहा है इसका मतलब एनर्जी नहीं है। और दिनों में जो भी ब्लॉग जाए करेंगे, जो भी वर्कआउट वीडियो जाए करेगी मैडम और मेरी साथ में आएगी। अभी फिलहाल एक डेढ़ महीने से मेरा अलग चल रहा है, इनका अलग चल रहा है, सिस्टम हम बिठा नहीं पा रहे, पर हमने बिठाया है और आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। साथ जो मेरा वर्कआउट रहेगा वो मैं दिखाई करूंगा, जो मैडम का रहेगा दोनों का साथ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलो भाई ये तीसरी एक्सरसाइज है, क्लोज ग्रिप पुल डाउन, ये मेरी बहुत फेवरेट एक्सरसाइज। पे जो पोज आता है ना ऐसे स्ट्रेट बैठ के, मतलब पोज बहुत अच्छा आता है, एनर्जी जो लगती है ना बहुत, मतलब बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, मेरे को तो इसमें बहुत मज़ा आता था। बट ठीक है अभी नहीं करने को मिल रहा, कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद तो करेंगे हम। वेरी गुड वेरी गुड, ये आपकी फेवरेट एक्सरसाइज है? Yes. मेरी तो है। अरे देख लेते, तू मेरे जितना वेट मार रहे हो आज ये, क्योंकि आपको ज्यादा इसमें एनर्जी लगानी नहीं है, एनर्जी अब कम लगानी, भाई कम लगानी है। लास्ट टाइम में मॉडरेट वेट और मॉडरेट वर्कआउट करोगे उतना सही रहेगा, क्योंकि इस टाइम पर काल खा रहा है, मतलब वर्कआउट करना है पर लिमिट का एक, वो पानी जमा ना करते बॉडी में, इसलिए ज्यादा नहीं करना। तो भाई ये वर्कआउट हो गया डन, और वर्कआउट होने के बाद अपनी मील ले लेते भाई। ये लास्ट सेकंड मील है, तो इसमें दो स्वीट पोटैटो दिख ही रहे होंगे आपको, और 200 ग्राम राइस है, 200 ग्राम 160 ग्राम चिकन है, एंड साथ में लेंगे एक चम्मच आलमंड बटर, जो कि पाँच नहीं सॉरी 10 ग्राम की रहेगी। ठीक है तो जल्दी से खाते हैं और फिर भाई अगली मील लेकर सोएंगे, यार बहुत थक चुका हूँ, और कल वेट देने भी जाना है, और सुबह जल्दी उठ के अपना बॉडी शेप भी करानी है, तो देखते हैं भाई कल बॉडी कंडीशनिंग कैसे चमकेगी, और कल अपना फर्स्ट कोट भी होएगा टैनिंग का, जो कि मैंने दोस्त को बोल दिया, दोस्त लेके आए, वैसे कॉम्प्लीमेंट्री भी है पर फिर भी मैं अपना लेके चल रहा हूँ तो बेस्ट रहता है। ठीक है भाई, कल दिखाते हैं आपको।
तो भाई ये रही हमारी आखिरी मील। इसमें 200 ग्राम राइस है, 50 ग्राम बीन्स एंड 200 ग्राम चिकन, वो सॉरी 160 ग्राम एंड 100 ग्राम डेट्स है भाई। शुक्र है लास्ट मील में थोड़ा सा मीठापन आ गया है, थोड़ा सा खाए जाएंगे और सोया भी जाएगा। देख रहे हो लास्ट मील अपनी अब हो रही है 8 बजे और 9 बजे तक सो जाऊंगा क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ के वेट भी देख आना है, अभी तो बॉडी शेव भी करानी सुबह। तो आपको सारी चीज़ें कल दिखाएंगे, कल डे वन से स्टार्ट करेंगे, आपको कंपटीशन का डे वन कल रहेगा, ठीक है भाई। तो भाई देखते रहना व्लॉग सारे, ये 3 दिन जरूर देखना भाई, आपको मज़ा आने वाला है। क्या खाएंगे, कैसे जाएंगे, किसके साथ जाएंगे और क्या क्या करना होता है कंपटीशन वाले दिन, ठीक है भाई। तो चलो जी अब इसके बाद सोते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सीताराम दोस्त।